वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? क्लास फोर सब्जेक्ट इंग्लिश, लेक्चर 22, टॉपिक वैरायटी एंटरटेनमेंट, रीडिंग पेज नंबर 41। वेल व्हाट हैपेंड वाज दिस, हैपेंड वाक्या होना, एक्सप्लेन्ड अली, अली ने वजाहत की। बिफोर द कर्टन वेंट ऑफ, कर्टन पर्दे, आई पुट सम ऑफ स्मोकी फेवरेट बिस्किट अंडर द टेबल, आई शोड स्मोकी वेयर दे वर, व्हेन आई कैरीड हिम टू द स्टेज, आई डिड नॉट होल्ड ऑन टू हिम टू टाइटली, आई अलोट हिम टू जंप आउट ऑफ माय आर्म्स ट्वाइस एंड रन आफ्टर द टेबल। लास्ट पैराग्राफ की आप लोगों ट्रांसलेशन करनी है, देखें। व्हेन आई वेंट टू गेट स्मोकी फॉर थर्ड टाइम, जब मैं तीसरी मर्तबा स्मोकी को लेने के लिए गया, आई ओनली प्रिटेंडेड टू पुट हिम अंडर द क्लॉथ, तो मैंने इसे कपड़े के नीचे डालने का सिर्फ बहाना किया था। He was still under the table munching biscuits. वो इस वक्त भी मेज के नीचे बैठा बिस्किट खा रहा था। This time Ali received a loud cheer from his classmate. He looked so pleased. इस दफ़ा अली को अपने हम जमातों की तरफ से एक बुलंद नारा मिला, वो बेहद खुश नज़र आया। ये क्वेश्चन आपका स्किप है। ये देखें, मैच द पर्सन टू डिस्क्रिप्शन व्हाट दे डू, फिलिंग द ब्लैंक्स है। अ डैश इज अ पर्सन हु मैनेज अ स्टोर एंड सेल्स आइटम्स, एक शख्स जो स्टोर को मैनेज करता है और चीज़ों को बेचता है, वो क्या कहलाता है, शॉप कीपर। अ डैश इज अ पर्सन हु इज वेरी रिलीजियस, आर डैश इज़ अ पर्सन हु इज़ वेरी रिलीजियस, वो कौन शख्स होता है जो मजहबी होता है, आ होली वूमैन। सी देखें, आर डैश इज़ अ पर्सन हु वॉश क्लॉथ्स, एक शख्स जो कपड़ों को धोता है उसको क्या कहते हैं, वॉशर। आर डैश वॉज अ पर्सन हु ट्रांसपोर्टेड वाटर फ्रॉम वेल्स टू होम बिफोर पाइप्स वर कॉमन, एक शख्स जो घरों तक पानी को पहुंचाता है वो कौन होता है, वाटर कैरियर। आर डैश इज़ अ पर्सन हु वर्क इन द गवर्नमेंट, एक शख्स जो गवर्नमेंट के काम को चलाता है वो कौन होता है, मिनिस्टर। आर डैश इज़ अ पर्सन हु रूल्स अ कंट्री, एक शख्स जो मुल्क को में कानून को लागू करता है वो कौन होता है, किंग। आर डैश इज़ अ पर्सन हु लुक आफ्टर काउज एंड मिल्क देम, एक शख्स जो गाँव और गाय की हिफाजत करता है वो कौन होता है, मिल्क मेड। आर डैश इज़ अ पर्सन हु प्रिवेंट्स क्राइम एंड कीप्स आर्डर, एक शख्स जो जराइम को रोकता है और हिफाजत करता है वो कौन होता है, पुलिस अफिसर। ये क्वेश्चन आपका स्किप है, ये भी क्वेश्चन स्किप है। नेक्स्ट ये वाला देखिए, से विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट, पास्ट आर फ्यूचर, तीन टेंस दिए गए हैं, आपने बताना है प्रेजेंट कौन सा है, पास्ट कौन सा है, फ्यूचर कौन सा है। आई वेंट टू सदर लास्ट वीक, तो यहाँ पे ये वेंट क्या है, अंडरलाइन करना है, इसके आगे लिखना है पास्ट, ये पास्ट टेंस है। माई सिस्टर इज़ ईटिंग एन एप्पल, तो इट इज़ ईटिंग क्या है, प्रेजेंट टेंस में आ रहा है कि मेरी बहन सेब खा रही है, मेरी बहन सेब खाती है, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। माय फादर विल टेक अस इन हिज कार, तो विल टेक को आप लोगों ने अंडरलाइन करना है और लिखना है फ्यूचर टेंस है। ये सारी एक्सरसाइज जो आप लोगों ने की है ये अपनी बुक्स पे सॉल्व करनी है और इसको लर्न करना है और ट्रांसलेशन आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स पे लिखनी है और इसको याद भी करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।